अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं निदा एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली फूडी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ढाबा स्टाइल की माश की दाल, जो कि बहुत ही लजीज बनेगी। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, पहले वो नोट डाउन कर लें। आधा किलो इसके लिए मैंने छिलकों के बगैर माश की दाल ली है और उसको पूरी रात मैंने जो है भिगो के रखा था पानी में। 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर चाहिए इसके लिए, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज, जिनको हमने इस तरह ऑमलेट के लिए जिस तरह काटते हैं उस तरीके से मैंने काट लिया है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। पिसी हुई काली मिर्च नहीं, आपने इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च इस्तेमाल करनी है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हमें चाहिए धनिया पाउडर, 1 अदद बड़े साइज़ की मैंने इसके लिए ली है हरी मिर्च, जो कि एंड पे हम सर्विंग के टाइम में डालेंगे। थोड़ा सा इसके लिए धनिया चाहिए होगा। मैंने तकरीबन जो है 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया और उसको जूलियन स्टाइल में मैंने कट कर लिया है। 1.5 टीस्पून हमें इसके लिए चाहिए होगा लहसुन का पेस्ट। 2 अदद इसके अंदर मैं डालूंगी चिकन क्यूब्स, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें और अगर नहीं चाहते तो मत डालें, बट इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 4 टेबलस्पून हमें चाहिए होंगे घी के, आप चाहें तो इसकी जगह पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हम माश की दाल को बॉईल करने के लिए रखेंगे। पतीले में माश की दाल डाल देंगे। तकरीबन 1 लीटर के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। दाल को आप 10 से 15 मिनट के लिए उबलने के लिए रख दें, क्योंकि ये पूरी रात भीगी हुई है तो ये जल्दी गल जाएगी। अगर पानी आप इसका वेस्ट करेंगे तो जो भी इसके अंदर दाल की जो अफादियत है वो भी जो है वो पानी के साथ निकल जाती है। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप उतना ही पानी डालें कि जिसके अंदर आपकी दाल जो है वो अच्छे से बॉयल भी हो जाए और पानी भी ड्राई हो जाए। तो अब इसको जो है मैं 15 से 20 मिनट के लिए दाल को बॉयल करने के लिए रख रही हूँ। एक तरफ हमने दाल उबलने रखी है और दूसरी तरफ जो है हम इसका मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले जो है नॉनस्टिक पैन के अंदर जो है घी डाल दूंगी। घी डालने के बाद साथ ही जो है मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगी। प्याज को हमने जो है गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज हमारे जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। जैसे ये गोल्डन ब्राउन होंगे इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी और इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे इसमें। अब मैं इसमें शामिल करूंगी टमाटर। चार से पाँच मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे प्याजों की अच्छे टमाटर की अच्छे से भुनाई कर लेंगे, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए। जितनी देर में हमारा मसाला भुन रहा है हम दाल को भी देख लेते हैं। दाल जो है वो अच्छे से बॉयल हो गई। आप देख सकते हैं कि इसमें पानी भी जो है वो बहुत थोड़ा सा रह गया है, इस बिल्कुल ड्राई हो चुका है पानी। तो इस लेवल पे जो है मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया है। बाकी की जो दाल में कसर होगी वो मसाले में डालने के बाद ये कम्प्लीटली तैयार हो जाएगी। टमाटर प्याज जो है वो हमारे अच्छे से जो है काफ़ी हद तक यकजा हो गए। अब मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूंगी, ताकि जो थोड़ी सी इसमें कसर रह गई है तो उसमें भी ये अच्छे तरीके से जो है यकजान हो जाएंगे। तो हल्का सा आप इसको चम्मच की हेल्प से भी मसाले को इस तरह करें, ताकि टमाटर अच्छे से जो है मैश हो। 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद अब मैं इसके अंदर जो हमारे स्पाइसेस हैं वो शामिल करेंगे। गरम मसाला, लाल कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, ये तीनों चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूंगी। नमक, लाल मिर्च पाउडर और कुटी हुई काली मिर्च, धनिया पाउडर, चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से जो है मैं मिक्स कर लूँगी। मज़ीद 5 से 7 मिनट तक भुनाई करेंगे। मसाला जो है वो अच्छे से हमारा भुना गया है। मसाला भूनने के बाद मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो हल्दी का डालूंगी। मसाले बताते हुए आपको मैं भूल गई थी हल्दी का बताना। अच्छा, दाल जो हमने उबाल ली थी, उबल चुकी हुई है दाल हमारी, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर जो चिकन क्यूब्स हमने ली थी तो वो शामिल कर दूंगी। इसको अच्छे से जो है मेल्ट होने देंगे हम इसमें, ताकि इसका पूरी तरह से फ्लेवर जो है मसाले में आ जाए। मसाला जो है वो पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब इसमें जो बॉईल की हुई दाल है हमारी वो हम शामिल कर देंगे। दाल को डालने के बाद इसको अच्छे से जो है हमने इस तरीके से हिलाना है। दाल जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैंने एक कनी जो है
इसके अंदर रखी थी ताकि बाकी की जो इसके अंदर कमी है वो मसाले में जाने के बाद जो है ये पूरे तरीके से कुक हो जाएगी। अगर आप पूरी तरह से गली हुई दाल इसके अंदर डालेंगे तो मसाले में डालने के बाद जो है ये बहुत नरम हो जाएगी, तो इसलिए इसको एक कनी आप इसमें रहने दें ताकि जो है ये मसाले में जाने के बाद अच्छे से जब इसकी भुनाई होगी तो एक तो मसाले का फ्लेवर इसमें पूरे तरीके से आ जाएगा और दूसरे ये है कि जैसे रेस्टोरेंट में आपको दाल का एक एक दाना अलहदा अलहदा नजर आता है, बिल्कुल उसी तरह का आपको जो है इसका रिजल्ट मिलेगा। 10 मिनट्स के लिए लो टू हाई फ्लेम पे मैं इसको कवर करके रख दूंगी ताकि जो दाल है वो अच्छे से मसाले में गल जाए। दाल को रखे हुए 10 मिनट पूरे हो गए हैं, अब मैं इसका जो दम है वो खोलूंगी। आप देख सकते हैं कि जो इसका मसाला है वो भी अच्छे से जो है वो तैयार हो गया है और इसने घी भी छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ ये चेक करना चाहती हूँ कि दाल जो है वो हमारी पूरी तरह से गली है या नहीं, तो वो एक दाना लेके इसका हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि दाल का जो दाना है वो अच्छे से जो है वो गल चुका है। ये देखें दाल है हमारी वो बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको बनाइएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय करिएगा। आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी रेसिपी है। बिल्कुल इसमें दाल का दाना आपको अलहदा अलहदा मिलेगा जिस तरह से हम रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं। तो हमारे चैनल ओनली फूडी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।